अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल भुना गोश्त बनाने की रेसिपी। और बहुत कम टाइम में हमारा ये गोश्त बनके तैयार होता है, लेकिन बहुत लजीज और खुशबूदार हमारा ये गोश्त बनके तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज कुकिंग पैशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम देख लेते हैं हमें भुना गोश्त बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए कढ़ाई। मैं ये कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना के रेडी कर सकते हो। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन हम 100 ग्राम इसमें ऑयल डालेंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 लिए लौंग और 2 सफ़ेद इलायची, हमने 2 इंच का इसमें लिया है दालचीनी। तो मसालों को अच्छे से हम क्राइकल होने देंगे कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। बड़े साइज़ की मैंने ये एक प्याज ली है जिसको हमने लॉन्ग शेप में कट के, आप चाहें तो रफली चॉप करके भी प्याज को इसमें ऐड कर सकते हो ऑयल में। प्याज को अभी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। हल्की सी हमारी ये प्याज सॉफ्ट हो गई तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त। 500 ग्राम मैंने ये गोश्त लिया है और 3 से 4 पानी से हमने गोश्त को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम प्याज के साथ और मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे गोश्त को। गोश्त को इस पॉइंट पर आप जितने अच्छे से भूनते हो, हमारा ये भुना गोश्त इतना ही लजीज बन के तैयार होता है। तकरीबन मैंने 3 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है गोश्त को। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली को कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम अदरक लहसुन के साथ भी अच्छे से भून लेंगे। अब गोश्त को हम 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे, या फिर हम जब तक भूनेंगे जब तक गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने ये 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, और हमने गोल स्लाइस में टमाटर को कट किया, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और उसके बाद टमाटर के बाद अब हम डाल देते हैं इसमें पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली का पाउडर डाल देंगे, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है धनिया, 1/2 टेबल स्पून हमने लिए इसमें हल्दी। तो इस तरह से हमने इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर दिया, हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर वगैरह सब इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें अभी हमने पानी वगैरह नहीं डाला है, अब इसमें हम पानी भी डाल देंगे। 1 मिनट मैंने अच्छे से भूना है सारे इंग्रेडिएंट को, और उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है। तो तकरीबन 500 ml के करीब इसमें हम पानी डाल देंगे। हम ये कढ़ाई में गोश्त बना रहे हैं तो इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम लगती है। अब हम 30 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे फ्लेम को हाई करके, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। गोश्त को अभी हम कवर कर देंगे, और बहुत खुशबूदार हमारा ये गोश्त बनके रेडी होता है। अब 30 से 35 मिनट मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लिया, और यहाँ पे देख सकते हो ऑयल वगैरह भी इसमें सेपरेट हो गया है। अब इसमें हमने टमाटर डाले थे और प्याज डाली थी, तो बहुत अच्छे से इस तरह से हम मैश कर देंगे तकरीबन 2 मिनट, ताकि हमारे जो टमाटर है प्याज है बहुत अच्छे से मैश हो जाए। अब ये भुना गोश्त है तो इसमें हम पानी वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि ये भुना गोश्त थोड़ा सा ये ड्राई साइड पे ही रहता है, और मैं इसे थोड़ा सा ड्राई साइड पे ही रखने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए तो इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर सकते हो। अब फ्लेवर के लिए ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और आप इसे लेमन के साथ, हरी मिर्ची के साथ, रुमाली रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ में इसे आप सर्व करें भुने गोश्त को। बहुत यम्मी और लजीज हमारा ये गोश्त बनके तैयार होता है, और ज़ीरा राइस के साथ में भुना गोश्त बहुत यम्मी लगता है, बहुत औसम टेस्ट आता है। और आपने देखा कि इतने कम टाइम में हमारा ये भुना गोश्त बनके रेडी हो जाता है। तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई करें। जब आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो अपना मेरे साथ में फीडबैक ज़रूर से शेयर करें, आपका भुना गोश्त कैसा बना। भुने गोश्त की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।